हाय फ्रेंड्स, कैसे आप। फाइनली मैं आपको एक और वीडियो लेकर आया हूँ और आज फ्रेंड्स आपसे बताऊंगा कि हमारे पास इनके बोलेंगे ओल्ड एलईडी लाइट है, इनके बोलेंगे खराब हो चुका है ये एलईडी लाइट बल्ब। तो फ्रेंड्स इसके मदद से बोलेंगे हम डीसीएन की रिचार्जेबल इनकी लाइट नहीं कैसे अपने घर पर इनके बना सकते है, वो भी फ्रेंड्स बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आपसे वीडियो में बताऊंगा। पढ़ा के फ्रेंड्स हमारा ये एलईडी लाइट है ना, इनके बोलेंगे खराब हो चुका है। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स यूज करके बोलेंगे रिचार्जेबल इनके हम लाइट इनके अपने घर पर इनके डीसी वाले इनके बना सकते है। तो प्लीज आपसे वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर देखेगा तो इनके बुझ पाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले इनके यहाँ पर बता दो फ्रेंड्स इनके हमारा ये एलईडी इनकी खराब हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये खराब हो चुका है तो इसको सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से सोल्डरिंग की मदद से जो कि निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इनके ध्यान रखिएगा कि हमारा ये सोल्डरिंग की मदद से बोले कि ये हमारा पैनल जो कि नहीं निकलेगा। ठीक है, आपसे फ्रेंड्स बता दूं ये वाला जो कि ब्लैक कलर वाला है ना, ये पैनल जो कि हम बहुत ही आसानी तरीके से इनके सोल्डर की मदद से बोले निकाल सकते हैं और यहाँ पर बोले कि काम इनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाला आप हटा दीजिएगा, ऐसे वाले इनकी ले लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वाला हटा देते हैं, ये वाला जो ओपन करते हैं, ओपन करने का देखिए फ्रेंड्स एलईडी लाइट इनके बोले खराब हो चुका था, इसी कारण फ्रेंड्स इसको मैं इनके यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इनकी यहाँ पर सोल्डर इनके आयरन की मदद से यहाँ पर जैसे इनकी ठेकाएंगे तो फ्रेंड्स हमारी ये बोर्ड इनके ऊपर साइड में भाग आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है आपको बता दूं, यहाँ पर प्रोसेस एक बोले कि इसका चिप्स होता है ना इतने बराबर से बोले कि आप इनकी कोई सा इनकी प्लास्टिक के डिब्बे इनके कट कर लीजिएगा जिसमें इनके बोले कि ऐसे इनके बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इनकी यहाँ पर यूज करेंगे ना तो फ्रेंड्स हमारे पास इनकी ये बड़े वाला बैटरी है। ठीक है, लिथियम बैटरी, तो फ्रेंड्स आप इसमें छोटा वाला लिथियम बैटरी लेंगे तो फ्रेंड्स ये बीच वाला होल इनके नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये बैटरी को ना फ्रेंड्स यहाँ पर फिट करेंगे। तो फिट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ तक जो जाएगा बैटरी को उस देखिए यहाँ तक इनकी भाग रहा है, ये हमारा बैटरी इनकी यहाँ तक आ रहा है। तो इसके मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी इनकी ये बोले इनकी यहाँ पर इसका कवर के भीतर इनकी होगा, तो इसके मैं होल्ड कर दे तो ऐसे करके फ्रेंड्स ये कटिंग फ्रेंड्स इनकी यहाँ पीस कर दीजिएगा यहाँ से जो कि कैंपास की मदद से काट कर मैं इनकी ऑलरेडी कर लिया क्योंकि फ्रेंड्स आपसे इनकी वीडियो लंबा ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स आप कटिंग कर लिया हो और यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे इस पर ना हम इनकी सिंपल एलईडी बल्ब होता है ना जो कि फ्रेंड्स 1 रुपया इनके मार्केट में देता है, ये एलईडी बल्ब को जो कि यूज करेंगे। ठीक है, आप इनके जितना भी एलईडी बल्ब इनके ले सकते हैं, मैं इनके यहाँ पर आपको बताने के लिए 4 एलईडी की ले रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे करके बोलेंगे चारों को फ्रेंड्स इनके साइज में इनकी रख देंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसे करके बोलेंगे इसको हम पैलर में ही कनेक्शन करेंगे, बोले इनकी यहाँ पर पैलर बोलेंगे फ्रेंड्स इनकी प्लस 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 रखेंगे बल्ब को और माइनस 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 इनके बल्ब को रखकर 2 वायर इनके सबसे पहले इनकी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर 2 वायर हम सबसे पहले इनके यहाँ पर निकाल लेते हैं, इनके मदद से बोले इनकी यहाँ पर करेंगे ना तो भीतर के साइड में बोले हमारा निकल जाएगा। ठीक है, हटा देंगे, निकाल देते और चलिए फ्रेंड्स आयरन की मदद से बोलने की इसको निकाल चुकी है यहाँ पर और निकालने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे फिर इसमें से इनके 2 वायर जो कि फ्रेंड्स ऊपर के साइड में इनके हम निकालेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इनके 2 वायर यहाँ इनकी रसेंगे और भीतर साइड में खींचेंगे क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा एक कनेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं 2 वायर को फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 वायर इनकी यहाँ पर निकाल चुका हूँ, 2 वायर फ्रेंड्स भीतर साइड में आ चुका है। एक और फ्रेंड्स इनके बात बता दू, यहाँ पर 3 बाइस का फ्रेंड्स इनके वायर होता है ना वो इनके यहाँ पर टच करने के लिए फ्रेंड्स 1 वायर जो कि यहाँ पर रसेंगे 1 वायर को फ्रेंड्स छोड़ेंगे, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर टच होगा तो फ्रेंड्स इनके बोलेगा बॉल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये भी इनकी मैं इनके यहाँ पर टॉच चेक करा देता हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पर बॉल के इनके यहाँ टच करेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ बॉल इनकी जलेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इस यहाँ से इनके हम काट देंगे नाश की मदद से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बॉल को इनके बोलने की मैं इनकी फिटिंग कर दिया हूँ, फिटिंग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स इनके हमारा 4 बॉल मैं इनके यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप इनकी 4 से अधिक भी इनकी बॉल इनकी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ बॉल को इनके प्लस प्लस करके एक जगह और माइनस माइनस करके एक जगह इनके यहाँ पर टर्मिनल करके निकाला हूँ जो प्लस और माइनस इनकी बॉल का है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इनके यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं निकाल दिया हूँ, आप इनके ऐसे करके निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद फ्रेंड्स एक बार क्या करिएगा अपने बैटरी होता है ना वो बैटरी से फ्रेंड इनकी चेक कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड हर एक बॉल इनके आपका बल रहा है या नहीं बल रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा हर एक बॉल इनकी चारों इनकी बॉल इनकी एलईडी लाइट इनकी हमें जल रहा है, फोन पर दिख रहा होगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स हम इनकी यहाँ पर भी आपको बता देते हैं फ्रेंड्स क्या कर रहा हूँ, आपको इनकी मैं पहले ही बता दिया वीडियो में कि यहाँ पर फ्रेंड्स 2 वायर इनकी भीतर साइड में से जो कि लिया हुआ यहाँ पर ले आकर सोल्डिंग कर दिया हूँ और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर ये 3 बाइस का वायर होता है ना वो इनकी एक ले आकर यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, उससे क्या होगा फ्रेंड्स जैसे इनकी ऐसे रहेगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे ही टच करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा ये बॉल इनकी बलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आप सेंसर वेंसर का यूज नहीं करेंगे, यही जो कि टच होगा देंगे बॉल बढ़ेगा हटा देंगे देंगे आपका बॉल इनकी बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स चार्जिंग पिन भी इनकी होल्ड करके मैं इनकी लगा दिया हूँ,
आप इनके ऐसे करके बोलेंगे चार्जिंग पिन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चार्जिंग पिन क्या भी प्लस माइनस कर चुकी मैं यहाँ पर टर्मिनल के निकाल लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर आप बोलें कि वो सॉकेट वाला होता है ना मॉड्यूल भी आप इनके यूज कर सकते हैं इसमें, तो भी हो जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स आपके पास ये है तो इसी से आप काम चला लेंगे तो भी इनके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, फ्रेंड्स आपको बता दूं सबसे पहले जो कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ से दो वायर जो कि निकला हुआ है जो कि फ्रेंड्स ये ऊपर के साइड में इनकी जाएगा, ये दोनों टर्मिनल का है यहाँ का और ये दो फ्रेंड्स चार्जिंग पिन का है और ये फ्रेंड्स दो बैटरी का होगा और दो इनकी बल्ब का होगा, ठीक है। तो हमारे पास जमे फ्रेंड्स बोलेंगे कि दो चार इनके बोलेंगे चार इनकी जोड़ा बोलने की हमारे पास वायर है। तो बैटरी का वायर को हमें कुछ नहीं करना है, चार्जिंग पिन को डायरेक्ट प्लस टर्मिनल और चलिए चार्जिंग पिन को सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनके वायर को ऐसे छील लीजिएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये चार्जिंग पिन हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो प्लस को डायरेक्ट प्लस में रखेंगे और यहाँ पर फिर माइनस को डायरेक्ट इनके हम माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा चार्जिंग पिन का इनकी कनेक्शन हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब इनके बल्ब को कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो बल्ब को कनेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है हमें, यही से फ्रेंड्स इनके बोले कि यहाँ पर एक यानी कि बल्ब का यानी कि प्लस टर्मिनल है ना, तो यानी कि प्लस ये चार्जिंग पिन और बैटरी का कनेक्शन करेंगे ना वहाँ पर इनके कनेक्शन एक को कर देंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक को यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे प्लस को और फिर माइनस को एक क्या करेंगे एक इसमें से कोई सा भी इनकी वायर ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स इनके बोलेंगे कि हमारा ये वायर जो कि ग्रीन कलर का ले रहा हो और एक का बल्ब का इनके बचा हुआ है ना ये बल्ब के इनके वायर में इनकी एक कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और फिर से एक बच गया आपका ये वाला इसका, तो फिर इसका क्या करेंगे फिर ये माइनस होता है ना बैटरी का उस माइनस में ही कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए माइनस में कनेक्शन करेंगे और माइनस में यही कनेक्शन हो गया, फिर से हमारा हर एक इनकी बैटरी का बल्ब का और इसका चार्जिंग पिन का ही कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद फिर से हमें क्या करना है इनकी यहाँ पर डायरेक्ट टच करेंगे ना तो देखिए फिर से हमारा लाइटिंग जल रहा है और जैसे इनकी छोड़ दे रहे हैं तो फिर से हमारा लाइटिंग की बंद हो जा रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टॉर्च लाइट इनके बन चुका है, ठीक है, क्योंकि फिर से ऊपर के साइड में उठा हुआ है जैसे इनके टॉर्च कर रहे थे बल रहे हैं और हटा देते हैं फिर से इनकी हमारा बंद हो जाता है। तो फिर ऐसे करके बोलेंगे सभी इनकी हम कनेक्शन बारीकी से इनकी कर लेंगे और करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे इस पर टेप लगाकर और भीतर के साइड में फ्रेंड्स अच्छे तरीके से बैटरी को रखेंगे और बैटरी को रखने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यानी कि हम बैटरी को इनके भीतर साइड में रख देते हैं और बैटरी को फ्रेंड्स रखने के बाद यहाँ पर इसमें सभी को मैं क्या करता हूँ वायर को फ्रेंड्स इनके अच्छे तरीके से बोलें कि यहाँ पर टेप इनके लगा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर टेप है हमारे पास और टेप इनकी मैं इनकी यहाँ पर यूज कर देता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स हम टेप करने की कनेक्शन कर दिया और कनेक्शन करने के बाद इनकी अच्छे तरीके से बोलेंगे वायर को इनकी हम भीतर से इनकी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा वायर इनकी हल्का लंबा हो गया, ठीक है। तो आपसे को फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वायर आपसे फ्रेंड्स कैसा रखें छोटे छोटे इनकी रखेगा क्योंकि फ्रेंड्स अच्छा रहेगा। और चलिए फ्रेंड्स अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दिया, चेक कर लीजिए फिर बोल रहा है कि नहीं, देखिए फिर हमारा बोल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इनकी आपको बता दूं कि ये कवर इनकी यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है, इसका कवर है इनकी यहाँ पर अच्छे तरीके से इनकी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। लगा दिया हूँ, लगाने में फ्रेंड्स इनकी जैसे इनकी यहाँ पर टच कर रहे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लाइट बल रहा है, जैसे फिर छोड़ दे रहे हैं तो हमारा लाइट इनकी बोले इनकी ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चेक करने के लिए चार्जिंग पिन हमारा सही है या नहीं है तो आपसे क्या फ्रेंड्स मैं इनकी यहाँ पास चार्जिंग पिन है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर एलईडी बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर लगाकर चेक करें एलईडी बल्ब इनकी जल रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स डायरेक्ट कनेक्शन देंगे बोलना चाहिए उसको। तो देखिए फ्रेंड्स लगाने के बाद कि हमारा लाइट इनकी जल रहा है, इसका अर्थ है फ्रेंड्स हमारा चार्जिंग पिन भी इनकी सही है जो कि बैटरी से कनेक्शन है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट की लाइट में इसको लगाएंगे हम बोलेगा और यहाँ पर डायरेक्ट इनकी बोलेंगे हमारा चार्ज भी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे करके बोलेंगे आप सभी इनकी अपने घर पर बोलेंगे एलईडी लाइट इनकी बना सकते हैं वो भी फ्रेंड रिचार्जेबल। आप सभी को फ्रेंड्स मालूम चल गया टॉर्च लाइट कैसे इनकी वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल संतोष परंतोष पर नए इलेक्ट्रॉनिक पर नए है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी तरह न्यू वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ में कोई भी सलाह सोचे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए और वीडियो का लंबा न करते ये पिन करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।